हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका सरल उपाय इजी टिप्स चैनल में। हम सरल उपाय इजी टिप्स चैनल में रोज़ाना एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करते हैं। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको हमारे द्वारा अपलोड की हुई हर एक वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी। नवरात्रि 2019 छठा दिन तिथि दिनांक शुभ मुहूर्त व पूजा विधि। शास्त्रों में नवरात्रों का बहुत बड़ा महत्व है। माँ दुर्गा की उपासना के इन 9 दिनों में उनके अलग अलग 9 स्वरूपों की पूजा करने की परंपरा है। आज हम आपको नवरात्रि के छठे दिन किस देवी माँ की पूजा, उनकी पूजा का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में बताएंगे। देवी दुर्गा के 9 रूप होते हैं। दुर्गा जी छठे स्वरूप में कात्यायनी के नाम से जानी जाती है। माता भगवती का छठा अवतार है कात्यायनी, जिनका पूजन नवरात्र के छठे दिन विधि विधान से किया जाता है। छठा दिन माँ कात्यायनी। नवदुर्गा के छठे स्वरूप में माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी का जन्म कात्यायन ऋषि के घर हुआ था, अतः इनको कात्यायनी कहा जाता है। दिव्य रूपा कात्यायनी देवी का शरीर सोने के समान चमकीला है। इनकी चारों भुजाओं में अस्त्र शस्त्र और कमल का पुष्प है। इनका वाहन सिंह है। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती को अपनी पुत्री के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा के साथ वन में कठोर तपस्या की थी। ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवती ने उन्हें पुत्री का वरदान दिया। तत्पश्चात महिषासुर नामक एक राक्षस के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए त्रिदेवों के तेज से एक कन्या का जन्म हुआ, जिसने अपनी असीम शक्ति और तेज के बल पर महिषासुर का अंत कर दिया। ये ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। गोपियों ने कृष्ण की प्राप्ति के लिए इनकी पूजा की थी। विवाह संबंधी मामलों के लिए इनकी पूजा अचूक होती है। योग्य और मनचाहा पति इनकी कृपा से प्राप्त होता है। तिथि और शुभ मुहूर्त। 4 अक्टूबर 2019 शुक्रवार को शारदीय नवरात्रि का छठा दिन है। इस दिन षष्ठी और सरस्वती पूजन होता है। माँ कात्यायनी पूजा सामग्री व भोग। नवरात्रि पूजन में माँ दुर्गा की नई मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करते हैं। अगर माता की मूर्ति मिट्टी की है तो सबसे उत्तम रहेगा। माता की तस्वीर पर चढ़ाने के लिए लाल चुनरी लें और माँ कात्यायनी की प्रतिमा स्थापित करने के लिए एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछा लें। माता की आराधना करने के लिए दुर्गा सप्तशी, दुर्गा चालीसा और दुर्गा आरती की पुस्तक रख लें। नवरात्रि का छठा दिन माँ कात्यायनी का है। छठे दिन देवी कात्यायनी को शहद का भोग लगाना चाहिए। षष्ठी तिथि के दिन देवी के पूजन में मधु का महत्व बताया गया है। इस दिन प्रसाद में मधु यानी शहद का उपयोग करना चाहिए। इसके प्रभाव से साधक सुंदर रूप प्राप्त करता है। माँ कात्यायनी पूजन विधि। सर्वप्रथम कलश में स्थापित देवी माँ के छठे स्वरूप कात्यायनी माँ की पूजा करें, फिर उसके बाद अन्य देवी देवताओं का भी पूजन करें। पूजा की विधि शुरू करने पर हाथों में फूल लेकर देवी माँ को प्रणाम कर देवी के मंत्र का ध्यान किया जाता है। देवी की पूजा के पश्चात महादेव और परमपिता की पूजा करनी चाहिए। श्री हरि की पूजा देवी लक्ष्मी के साथ ही करनी चाहिए। माँ कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत दिव्य और स्वर्ण के समान चमकीला है। यह अपनी प्रिय सवारी सिंह पर विराजमान रहती हैं। इनकी चार भुजाएं भक्तों को वरदान देती हैं। इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है तो दूसरा हाथ वरद मुद्रा में है। अन्य हाथों में तलवार तथा कमल का फूल है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल सरल उपाय इजी टिप्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।